हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ फोटोशॉप के टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ इमेजेस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं इमेज। यहाँ से कोई इमेज ले लेते, यही ले लेते हैं। ये एक इमेज ले ली मैंने। तो इस इमेज के साथ, जैसे कि मान लीजिए ये टूल है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट की M है, ठीक है। इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं मैं बता देता हूँ। तो बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं है। बस आपको जितना एरिया आपको सिलेक्शन करना है, आपने पहले देख लिया होगा यहाँ पे कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल मतलब रेक्टेंगुलर, ये यहाँ से रेक्टेंगल बनाएगा, ये देखिए, और ये सिलेक्शन करेगा जिस भी इमेज को आपको सिलेक्शन करना है। तो ये सिलेक्शन कर लिया। अब ये थोड़ा सा यहाँ से, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा चिपक गया, तो मैं क्या करूँगा, माउस से ड्रैग करके थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल होता है। तो अब इसका एडवांस, इसको एडवांस में कैसे यूज़ करना है, तो देखो अभी जैसे कि मेरा सिलेक्शन इस तक है, यहाँ तक है, यहाँ से बोट कट जा रही है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से मुझे बोट और ऐड करना है सिलेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा। मैंने आपसे पहले बोला था कि जो भी टूल हम सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी बार है। तो यहाँ से पहला जो है वो सिलेक्शन है, ये है ऐड करता है सिलेक्शन में, ऐड करता है कुछ, ऐड टू सिलेक्शन लिखा हुआ देखिए। तो यहाँ से इसको क्लिक किया मैंने, और मुझे इसमें थोड़ा सा और ऐड करना है। जैसे यहाँ से मैंने और थोड़ा सा यहाँ से ऐड कर लिया, तो ये देखिए, ये इसके साथ जितना सिलेक्शन था उसमें और मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, सिलेक्शन करने के बाद इसको क्रॉप कैसे करना है, तो देखिए सिंपल सा है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है लेयर वाया कॉपी या लेयर वाया कट। तो मुझे इस लेयर में से इसको कॉपी करना है। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से क्लिक कर लिया लेयर वाया पे कॉपी पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं जैसे बैकग्राउंड की आई मैंने यहाँ से ऑफ कर दी, तो देखिए कितना ये सिलेक्शन हो गया, और यहाँ पे मैंने कट कर लिया, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल का बेसिक सा फंडा था कि यहाँ से सिलेक्शन किया हमने और यहाँ से इसको कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से इसका सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से इतना सिलेक्शन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे सिलेक्शन इतना यहाँ से क्रॉप करना है। तो यहाँ से जो है ये देखिए, ये वाला जो सिलेक्शन है यहाँ से थोड़ा सा माइनस करता है, सब्सट्रैक्ट करता है, जितना भी सिलेक्शन है उसमें से हमें थोड़ा सा माइनस यहाँ से हटाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ड्रैग किया और मुझे इतना सिलेक्शन और नहीं चाहिए, देखिए यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ से थोड़ा सा ये भी हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इधर से भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं सिलेक्शन को, जैसे यहाँ से इतना, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद वाला कौन सा है, देखिए इसके बाद वाला सीधे उसका आइकन ही बता रहा है कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि ये बाहर की जो है दोनों वो ब्लैंक कर देता है और सेंटर का सेलेक्ट कर लेता है। तो इसको क्लिक करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने, मुझे इतना सिलेक्शन चाहिए, तो ये यहाँ से इतना ही सिलेक्शन करेगा, बाकी का सिलेक्शन उसने हटा दिया, इतना ही सिलेक्शन होना था, ठीक है। तो जैसे कि मुझे अब यहाँ से ऐड करना है, तो मैं यहाँ से इसमें से मैंने ऐड वाले पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ऐड कर लिया। और क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया, लेयर वाया कॉपी, एक इसकी नई लेयर बना दी, यहाँ से क्लियर कट हो गई इसकी, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। इसी के अंदर एक सिलेक्शन आता है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, ये क्या करता है, सर्कल में सेलेक्ट करता है, ठीक है। सर्कल में जैसे यहाँ से मैंने ड्रैग किया माउस का लेफ्ट क्लिक करके, और मैंने इतना सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, और ये सिलेक्शन हो गया। अब मैंने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ही कर लिया, ठीक है, ये ऐसे सिलेक्शन हो गया। अब क्या करना है, मुझे एकदम एक्यूरेट सर्कल बनाना है। अभी तो ये ओवल में बन गया है, देखिए अंडाकार, ठीक है। अभी मुझे एक्यूरेट बनाना है। एक्यूरेट बनाने के लिए मैंने यहाँ से शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक ड्रैग किया, और देखिए एकदम एक्यूरेट सर्कल बन चुका है, ठीक है। तो ये सर्कल इस तरीके से बना बना के हम सिलेक्शन कर सकते हैं सर्कल वेव में, ठीक है। अब ये सिलेक्शन को हटाने के लिए यहाँ सिंपल क्लिक किया, डीसेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्लिक किया, सिंपल क्लिक किया, डीसेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन जो सिलेक्शन एरिया है उसको डीसेलेक्ट करने के लिए कहीं पे भी एक सिंगल क्लिक करेंगे तो दोबारा से उसी टूल से, तो ये डीसेलेक्ट भी हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल डी भी दबाएंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ सिलेक्शन है, और मान लीजिए एक और प्लस ले, यहाँ से मैंने ऐड किया, यहाँ एक सिलेक्शन है, यहाँ एक सिलेक्शन है, यहाँ सिलेक्शन, ठीक है। तो कंट्रोल डी दबाएंगे और डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो
तो ये सिलेक्शन टूल के बारे में हो गया, ठीक है। इसके बाद ये इसके नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक लैसो टूल है, लैसो टूल, पॉलीकलर टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल, ठीक है। तो सबसे पहले लैसो टूल के बारे में मैं बता देता हूँ, लैसो टूल कैसे वर्क करता है। लैसो टूल जैसे ही आपने क्लिक किया, इसका शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देख लीजिए एल है, ठीक है। शॉर्टकट की अगर आप यूज़ करेंगे ज़्यादा तो बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लैसो टूल का मैंने क्लिक किया, लैसो टूल कैसे वर्क करता है। तो लैसो टूल हम जैसे कि यहाँ पे देखिए, मुझे ये बोर्ड को सेलेक्ट करना है, ठीक है, बोर्ड का एरिया को सेलेक्ट करना है, ये सिर्फ बोर्ड जो है, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करना है, देखिए जैसे कि यहाँ से मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है आपको, जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है बस उसके बाद माउस ड्रैग करते रहिए, लेफ़्ट क्लिक करके, और माउस का आपका बटन छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, ठीक है, ये यहाँ पे लाके मैंने दोबारा छोड़ दिया। दोबारा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपको ले जाके छोड़ देना है, ठीक है। ये तो हो गया लैसो टूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप, मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करिए, लेयर बाय कॉपी, ये कॉपी बना देगा, ये देखिए ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद इसी के अंदर एक और टूल है, पॉलीगोनल लैसो टूल, ठीक है। पॉलीगोनल लैसो टूल कैसे वर्क करता है, ये पॉलीगोनल समझ ही आ रहा होगा आपको कि स्ट्रेट लाइन लाइन पॉलीगोन टाइप का बनाएगा। तो देखिए जैसे पॉलीगोनल कैसे काम करता है, यहाँ पे क्लिक किया, अब आप यहाँ से क्लिक छोड़ सकते हैं, इसमें क्लिक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और दोबारा वहीं पर ले जाके क्लिक कर दिया, देखिए ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये पॉलीगोनल इसी तरीके से वर्क करता है, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और ऐसे मैं क्लिक करके, और ये सिलेक्शन करना था मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये होता है पॉलीगोनल लैसो टूल। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है, मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल कैसे वर्क करता है, आपने मैग्नेटिक लैसो टूल ले लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, सिर्फ बहुत ही अच्छे तरीके से जो पैट है, डॉग है, और ये जो बोट है इसको सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बोट के कॉर्नर पे क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, सिर्फ माउस को क्लिक करने के बाद छोड़ दिया, उसके बाद माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग कैसे करना है, जो एरिया आपको सिलेक्शन करना है उसी वे में आपको सिर्फ ड्रैग करना है माउस को, ठीक है। देखिए माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरह ये यहाँ पर सिलेक्शन बनाते चले जा रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ से डॉग के, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो जाए, अगर आपका गड़बड़ हो जाता है तो क्या करना है, माउस को वापस बैक लाना है और डिलीट प्रेस करना है, कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करना है, एक और बार डिलीट। अब देखिए यहाँ पे फिर अगर गड़बड़ होता है, ये देखिए दोबारा से मैं फिर गड़बड़ हो रहा है, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे लाके एक और क्लिक कर देना है, यहाँ पे एक और क्लिक कर देना है, गलत हो गया, ठीक है, वापस यहाँ क्लिक कर लीजिए, फिर क्लिक कर लीजिए, फिर उसके बाद माउस को ड्रैग कर लीजिए, जहाँ आपका गलत हो रहा है वहाँ पे आपको डिलीट करके वापस आना है, और वहाँ पे क्लिक करके एक नोड बनाना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए सिलेक्शन होते जा रहा है, सिलेक्शन होते जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपको वापस क्या करना है, डिलीट प्रेस करना है, वापस जाना है, यहाँ क्लिक कर लिया, यहाँ क्लिक कर लिया, यहाँ क्लिक कर लिया, फिर वापस यहाँ से, वापस यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ देखिए थोड़ा सिलेक्शन गलत हो गया, डिलीट किया, डिलीट किया, नीचे से लेके आना है, मैं नीचे से लाना है, और यहाँ से और जहाँ हमने नोड स्टार्ट किया था उसी नोड पे हमें दोबारा क्लिक कर देना है। तो ये आपका सिलेक्शन बन गया, सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक किया, लेयर वाय कॉपी किया हमने, देखिए कितना प्यारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लैसो टूल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद कौन सा टूल है, ये देखिए क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करता है, देखिए जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सर्कल बन के आ रहा है। अब यहाँ से मुझे इस सर्कल को थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करिए, सॉरी
बड़ा करने के लिए सिंपली कीबोर्ड में जाना है। कीबोर्ड में जो ब्रैकेट का जो दो बटन है उसमें से लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे तो छोटा होगा और राइट वाला बटन दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रेस करते गया ये बड़ा हो गया। ठीक है, मुझे इतना बड़ा करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको सिलेक्शन करना है। क्लिक करते जाइए सिलेक्शन होते जाएगा। ये सिलेक्शन हो गया, इतना सिलेक्शन हो गया, ये भी सिलेक्शन हो गया, ये हो गया सिलेक्शन, इतना सिलेक्शन हो गया। देखिए कितना अच्छा तरीके से सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे तो प्लस दिखा रहा है अभी क्योंकि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखिए यहाँ माइनस वाला एक और है, मैंने बोला था प्रॉपर्टी टूल में उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा टूल का, तो यहाँ पे माइनस करना है मुझे इतना, इतने पे क्लिक किया मैंने, माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और, ये हो गया सिलेक्शन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, राइट क्लिक, लेयर वाला कॉपी, देखिए कितना बढ़िया सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मैजिक वैंड क्या करता है, मैजिक वैंड का काम है सिंपली एक कलर को सेलेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पे येलो कलर है, येलो कलर पे मैंने क्लिक किया, देखिए येलो कलर के कितने वेरिएशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े शेडो है, थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे इसने जितना एक ही तरीके का जो कलर था तो वो उसने उतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ब्लू कलर है, वाइट कलर है, ये देखिए जितना इस टाइप के कलर थे उसने उतने पकड़ लिया। अब मैं इसकी रेंज अगर मैं यहाँ पे से थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो देखिए 50 कर दिया मैंने, तो देखते हैं कितना क्या रखता है। देखिए और थोड़ा ज़्यादा तरीके से सिलेक्शन इसने कर लिया। इसी तरीके से येलो पे मैं क्लिक करूँगा तो और ज़्यादा क्लिक कर लेगा। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा टॉलरेंस कम कर देता हूँ, 15 पे कर देता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा कम सिलेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैजिक वैंड और क्विक सिलेक्शन। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाकी आप इस पर थोड़ा सा वर्क करिए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ तो आप बहुत ही जल्दी इसको सीख जाएंगे, और इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद।